वेलकम टू सियासत मनाएं। हमने आज सोचा कि एक गैर सियासी शो फॉर अ चेंज करें, अपने टाइटल को थोड़ी सी इज्जत दें हमारे शो के जो टाइटल है, और आज बात करें नेटो सप्लाई लाइंस की। ये जो बंद किया 5.5 महीने लगभग हम बंद करके, फिर अब हम खोल रहे हैं। एक अपॉलोजी मांगी, उस अपॉलोजी की ज़रूरत क्या थी मांगने की, अगर मिली नहीं उसके बावजूद भी यू सकम टू प्रेशर। और अब हमारे सदर साहब इस वीकेंड शिकागो जाएंगे, नेटो कॉन्फ्रेंस और नेटो समिट अटेंड करेंगे, और फिर इसका रद्दअमल क्या हो सकता है इंटरनली और एक्सटर्नली, हमारे लिए फ़वाद क्या हो सकते हैं और हमारे लिए नुकसान क्या होंगे मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर। और इसके अलावा एक हमारी मीशत के ऊपर अगर फोकस करें, इस वक्त बजट जो इस साल का बजट होगा, पीर यूसुफ रजा गिलानी साहब का आखिरी बजट होगा, हमारे मुजरम आजम साहब का आखिरी बजट होगा, और उसके अलावा उसके अंदर दो प्रोमिसज हफी शेख ने कहा है कि सिर्फ दो तरह के टैक्स होंगे, एक इनकम टैक्स और एक सेल्स टैक्स, और ब्रैकेट्स भी शायद चेंज कर देंगे, और एक अवामी बजट होगा, एक रेडियन इकानमी की तरफ शायद देखते हुए एक बजट होगा, शायद इन्फ्लेशन को देखते हुए बजट होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये सर्कुलर डेट, गर्दशी इकराजात, जिसके बारे में हमारे सियासतदान कुछ हैं जिनकी राय है कि बस एक घंटे का मसला है, आप गर्दशी इकराजात ख़त्म कर दें, 300 अरब रुपया छाप दें मिनट के अंदर से, और सारी बिजली की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म, पाकिस्तान खुशहाल, और फिर शायद इसकी वजह से आपकी मईशत को नुकसान हो, शायद फ़ायदा हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं एम्बेसडर ज़फ़र हिलाली साहब, साबिक वफाकी सेक्रेटरी, और हमारे दूसरे मेहमान हैं शब्बर ज़ैदी साहब, अकाउंटेंट हैं एंड एन एडवाइज़र टू गवर्नमेंट्स इन वेरियस वेज। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस बोथ ऑफ यू, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन द स्टूडियो। ज़ैदी साहब, मैं अगर ये जो नंबर्स और सर्कुलर डेट से पहले, ये जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है नेटो वाली, इफ़ आई कैन आस्क हिलाली साहब बाय योर परमिशन, हिलाली साहब हमने खोल दी सप्लाई लाइंस? नहीं, अभी तक नहीं खुली, अभी तक वो बार्गेनिंग खुली, ऑफिशियली नहीं खुली। हाँ, ऑफिशियली। तो बंद क्यों की थी? जज्बात में आके बंद कर दिया था। आप समझते हैं कि ये जज्बाती फैसले हमारी, विदाउट, अगर हमने रीनेगोशिएट नहीं किया, ये दैट्स व्हाई शब्बर ज़ैदी साहब नीड्स टू कम इनटू दिस एज़ वेल, पैसे लें फी ट्रक, अपनी रोड्स बेहतर करें, ये पाबंदी लगा दें कि ट्रेन्स पे ट्रांसपोर्ट हो, ये मेरे ख्याल से ज़ैदी साहब का ही आइडिया है, मेरे शो में पहले आ चुका है। इट्स वंडरफुल आइडिया कि भाई नेटो सप्लाई करें, आप मर्चेंट्स हैं, कोने की दुकान आपकी बड़ी अच्छी है, उनके सारे कंटेनर्स को अपनी ट्रेन्स के थ्रू भेजें, आपका फ्रेट कार्गो बड़ा मुनासिब हो जाएगा, बड़े पैसे बना लेंगे। तो ये तो कुछ नेगोशिएट नहीं हुआ। वो साहब 10 साल तक हम उनको मुफ्त दे रहे हैं, इतने हमारे खुले दिन लोग हैं हम। नहीं सर, NLC ने बड़ा प्रॉफिट किया है उससे, ऐसे नहीं था कि वो 10 साल तक फ्री दे रहे थे हमारी वो। नहीं, कोई ना कोई तो ले जाना था, तो उन्होंने भी काम करके प्रॉफिट किया ना, माने उन्होंने एक्चुअली कन्वे तो किया सप्लाईज को, आप सही कह रहे हैं, मगर हुकूमत जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, 10 साल अमरीकनों को मुफ्त। हिलाली साहब, ज़ैदी साहब, आपके ख्याल में ये, क्योंकि ये गैरत की आर्ग्यूमेंट बन गई कि माफ़ी मांगो कैसे मारे हमारे लोगों को, इसलिए जब आखिर में हमें सकम करना पड़ा तो मईशत की बात कर नहीं सके उनसे, और ये बात नहीं कर सके कि जी अब पैसे चाहिए हमें इस काम के लिए, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, हमें फ़ी यूनिट पैसे चाहिए, हम ये इसलिए नहीं कर सके कि हमारे पास बार्गेनिंग पोजीशन नहीं थी? ये मेरे ख्याल एक बार्गेनिंग पोजीशन नहीं थी, एक तो हमारा होमवर्क भी ठीक नहीं है, मईशत को भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही कभी, इस मुल्क की प्रायोरिटी जो डील करने गया है, आज भी शायद डील करने जा रहा है, उसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान का आम आदमी नहीं है, मईशत की नहीं, उसका आई थिंक उसका फिगर वर्क भी कम्प्लीट नहीं है उसका। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि क्या जब आपने पहले रास्ता दिया था, जो कुछ भी आप डील कर रहे हैं अमेरिका से, आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से डील कर रहे हैं, क्या आप प्रॉपर नेगोशिएटर हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक नो। आप समझते हैं हम प्रॉपर नेगोशिएटर हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू? पॉलिटिकल नहीं, उनके कुछ पॉलिटिकल एंड मे बी व्हाटएवर यू, बट एटलीस्ट नॉट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखें तो दे कैन गिव यू मोर मनी ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। सही, रादर देन व्हाट द वे वी आर डूइंग इट। सही, पैसे हम बेहतर और ज़्यादा बाइज़त तरीके से कमा सकते हैं। मेरा मकसद देखिए ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो नेटो, एक लेट बी क्लियर ऑन वन थिंग, पाकिस्तान इकोनॉमी इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वेस्ट एंड USA। लेट अस बी क्लियर ऑन दिस मैटर। आपकी एक्सपोर्ट 28 बिलियन की है, उसमें से तकरीबन 20 बिलियन वेस्ट और USA खरीदता है, यूरोप एंड USA मेजरली, वेस्ट एंड USA खरीदता है। तो ये आप, हम खाम ख्याली से निकल जाएं कि हम उनसे रिलेशन ख़राब करने के बाद, नॉट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। सेकेंडली, आपने सारी ज़िंदगी तकरीबन पाकिस्तान में 220 बिलियन का कर्जा लिया है या ग्रांट ली है, वो सारी की सारी वहाँ से आई है, हमारे किसी भाई ने नहीं दी, गल्फ भाई, वो जहाँ भी भाई ने किसी ने नहीं दी, कहीं भी भाई कहीं भी रहता उसने किसी ने दी, तो हमने 220 बिलियन उनसे लिए हैं, और आइंदा भी हमारी ट्रेड भी वहीं रहेगी इन फ्यूचर,
और हमारा सोर्स ऑफ फंड भी वही रहेगा। सही। तो किसी को, किसी को खाम ख्याली है ना कोई, तो वो खाम ख्याली सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सही। एक बिलियन डॉलर का कोएलिशन सपोर्ट फंड का पैसा भी मिलना है, लेकिन हिलाली साहब सारी पैनिक के बाद के शिकागो में बुलाया नहीं जा रहा, और फिर जब बुला लिया गया तो अब बात सामने आ रही है कि ओबामा नहीं मिलेंगे जरदारी साहब से। ये पूरी नेटो की दुनिया भर की एक अलायंस है जिसका एक स्ट्रेटेजिक रूट है, जिसमें से जो अभी उनका एक फ्रंट है मेजर फ्रंट, उसके अंदर की 70% सप्लाई जाती है, उसके सदर को पहले बुलाने की जहमत नहीं की, और जब अब वो सुधर गए हैं तो अब उनसे बात करने की जहमत नहीं है सुपीरियर पावर को। आप समझते हैं कि इट्स अ सिंबल ऑफ आवर फेलियर्स एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न्ड? मेरे ख्याल में कि उन लोगों को पता चल गया, दे रियली हैव द मेजर ऑफ पाकिस्तान, उनको पता चल गया। आप देखें कि इस मुल्क में इतनी खुशी मच गई जब पता चला कि अमेरिकन जो हैं शायद हमें वापस ले लें इनटू देयर वार्म एम्ब्रेस। आपको पता नहीं है ये जो लिबरल लॉट है ना जी, इधर जो कहते रहते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो इतनी खुशी हो गई थी। नहीं तो उनके सेकंड रेजिडेंसेस मलेशिया में तैयार थे, उनके वीज़ेस तैयार थे, एक तो था भी दे रहा था, कह रहे ये पागल लोग अमेरिका के साथ लड़ना चाहते हैं, शुक्र है मैंने अपने सब चीज़ें बदल करके मैं जा रहा हूँ इधर। मगर क्या अमरीकर तुम्हारे साथ लड़ सकता है? मिसाल के तौर पर आप समझते नहीं लड़ सकता? नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अमेरिका मिसाल के तौर पे आप रूट ब्लॉक करते रहे, मैं ब्लॉक क्या करते रहे, आप खुला इमदाद देते रहे किसको? हक्कानी तालिबान को खुला, अब तो आप नहीं दे रहे, क्या करेगा अमेरिका? आके आपको बम करेगा ना। हिलाली साहब इस एक्सट्रीम से पहले भी तो बहुत सारी चीजें हैं, हम भूखे ज्यादा हो जाएंगे, जाहिल ज्यादा हो जाएंगे, लोग ज्यादा मर जाएंगे, उनका काम हल हो जाएगा, उनका मसला खत्म हो जाएगा। हम उनका मसला बनने के लिए ही अपनी तकदीर ढूंढे कि बस हम उनका मसला रहे, इसलिए कि हम क्यों सोचते हैं कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे जब हम मार सकते हैं, हमें तो पता है मार सकते हैं, मारते रहे हैं, मगर हम क्यों ये समझते हैं कि वो भी ये करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। आप जाहिर है, मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ, मगर याद रखें आपके पास भी कोई निगोसिएशन पोजीशंस हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये नहीं कि डबल दब जाओ और जो लेकिन वो चाहते वो निगोसिएशन। सर मर्द मुजाहिद जाग, जरा वक्त शहादत है आया, इस पे नहीं मबनी होनी चाहिए, थोड़ी सी मईशत के ऊपर थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड होनी चाहिए। पॉइंट्स हमारे पास मेरे हिसाब से नहीं है, उस सेंस में नहीं है। क्या आप चाहते नहीं, मगर फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगा। नहीं, आपका पॉइंट इज वेरी वैलिड, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या अमेरिका चाहेगी कि हम तब खत्म हो जाएं? देखिए वो तो हम क्यों चाहेंगे कि हम खत्म हो जाएं? नहीं, हमें छोड़ें, उनका मसला हल होता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना जी। क्या स्टेटमेंट दिया है आज उसने इन 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 कांग्रेस, वो जो उनका स्पोक्समैन है, उसने कहा है पाकिस्तान इज की, पाकिस्तान इज वाइटल, पाकिस्तान के बगैर हम लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान इज की इन व्हिच फॉर्म? इन एवरी फॉर्म। पाकिस्तान कोलैप्सेस, मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म इंक्रीजेस। हां, तो हिलाली साहब इसी बात पे, इसी शर्त को हम हमेशा अपना आखिरी पत्ता लेके रखें कि हम बुरे हैं लेकिन हमसे ज्यादा बुरे आएंगे हमारी जगह। हिलाली साहब मेरा पॉइंट है, हम इस पे तो हम नहीं बना सकते ना फॉरेन पॉलिसी से। हिलाली साहब लेट्स से, लेट्स से कि अभी वो बॉम्ब नहीं कर रहे, अभी हम उनसे लड़ नहीं रहे, ये हम इस ये मिलिटेंट मेंटालिटी को अगर थोड़ी देर के लिए दरगुजर करके एक मॉडरेट ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करें कि हमारी भी एक दुकान है, उनकी भी एक दुकान है, उनके भी मफाद हैं, हमारे भी मफाद हैं, और शायद उनके हमसे मुख्तलिफ मफाद हैं, लेकिन हमारे लोग ज़्यादा हैं बनिस्बत उनके, गुरबत की लकीर के नीचे हमारे लोग ज़्यादा हैं, हमारे नौजवान ज़्यादा हैं, हमारी मईशत को पनपना उनकी मईशत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ईयर वी नीड टू प्रोग्रेस बियॉन्ड 7% जस्ट टू क्रिएट द 2 मिलियन न्यू जॉब्स एवरी ईयर, कि जो हमारे नौजवान लेते रहें। तो बड़ी अच्छी बात कही है, दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी फॉर बींग सेन एंड रीजनेबल विच यू हैव ट्राइड। नतीजा ये निकला कि एक बात पे कि आप हक्कानी तालिबान के पीछे नहीं जाते, और सब चीज़ें तो आपने लेट के दे दिया है ना उनको, माफ़ करिए, आपने तो उनको 10 साल से यू हैवन चार्ज देम एनी थिंग, they've been using your airspace, आपके हवाई अड्डे इस्तेमाल हो गया ना हिलाली साहब आज के बाद। अच्छा नहीं, माफ करिए, तो रीजनेबल तो आप बहुत रहे हैं उनके साथ, आखिर में उन्होंने ये रीजनेबल नहीं होता, ये सर्वाइल होता है, हम रीजनेबल नहीं, हम नौकर रहे हैं। ये किया कि आपके 24 बंदों को डिलिबरेटली आके खत्म किया। सर देखिए, हमने जो देखिए हमने जो पिछले 3 साल में हमने कोशिशें की हैं स्पोरैडिकली, वो एक गुलाम से एक बदमाश का सफ़र जो है वो हम ऐसे तय करते हैं जैसे कि ये दोनों, बस यही दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो हम बिल्कुल ग़ुलामी में सर्वाइल तरीके से जो आपने करना है कीजिए साहब, आप आका हैं, या ये करते हैं, या फिर हम वो दिफाए पाकिस्तान वाला एक रूप ढाल लेते हैं और कहते हैं कि जी आप आके तो दिखाइए, हम आपको फाड़ देंगे इस्लामिक बॉम्ब। बीच की भी तो जगह है। देखिए मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की जो है ना, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एग्जिस्टेंस
ये इसको हमेशा ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं मेरे हिसाब से, एक खास एक्सटर्नली ना नहीं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान पर प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खासा पाकिस्तान टूट जाएगा, जो इकोनॉमिक साइड नहीं देखी जाती कि अगर हमारी हम गुरबत की लकीर से नीचे जाते जा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं प्रेजेंट होता पाकिस्तान में हमेशा उसको कि इसकी इसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल क्या होगी, इसकी नेशनल सिक्योरिटी सर्वाइवल क्या होगी, ये इशू होता है। दूसरी बात जो आपने एक बात कही ना बदमाश, वो बदमाश भी नहीं है, बदमाश होना भी नहीं 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 वो सिर्फ एक साइड ऑफ है, कोई बदमाश नहीं है, बदमाश होने के लिए भी कोई पीछे से कोई दम होना चाहिए, ये कहना कि हम बदमाश ही कभी कर सकेंगे ये भी हमारी गलतफहमी है, ये भी हमें निकाल देना चाहिए, हमारे जहन से ही बात निकाल देनी चाहिए कि हमें बदमाशी, बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हमारा उनसे झगड़ा क्या है, मेरा सवाल तो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा उनसे झगड़ा क्या है इकोनॉमिकली, झगड़ा ना कभी झगड़ा था ना झगड़ा है, अगर हम ये समझते हैं कि हम एक न्यूसेंस पावर बन के उस न्यूसेंस को कभी हम रशिया के लिए कनाइवेंस करेंगे, उनके लिए बैठा के बड़ा बेर में उनके लिए इजाजत करवाएंगे, अगर इस माइंड सेट में ये मुल्क रह का सर्वाइवल है तो फिर आवाम का सर्वाइवल नहीं है, गुर्बत ज़्यादा होगी। लेट मी कम्प्लीटली सपोर्ट दिस। देखिए मैं, आप लोग समझते हैं कि अगर इस बात शिकागो और ये सलाला का बात कर रहे हैं, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, उसका मतलब ये नहीं है, हमारा तो शुरू से हमारी ओरिएंटेशन गलत है, शुरू से हमारा प्राइमरी ये होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उसमें हमारी सिक्योरिटी भी बेहतर होती है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर हमने उस वक्त ये फैसला नहीं किया, हम कश्मीर और ये लेके नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन के अमरीका के गोद में गिर गए, और उसके बाद वी हैव नेवर रीऑर्डर्ड आवर प्रायोरिटीज़। अब मेरा अपना ख्याल है इस वक्त हमारे लीडरशिप की क्रेनियम कैपेसिटी जो है, ये कोई एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, ये क्रेनियम कैपेसिटी इतनी कम है कि इसमें उतने ब्रेन्स नहीं आ सकते, रियलिस्टिक पावर स्पेस भी तो बहुत कम है लाली साहब, इतनी जब आप इतनी प्रॉब्लम्स में फंस जाएं तो आप कितना क्रेनियम इस्तेमाल कर लें, आप करेंगे क्या, यू आर कॉट बिटवीन, अगर होता तो आप जाते द डेविल इन द डीप ब्लू सी। सेकंडली आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट नाउ, देखिए हम लोगों ने अमरीका के लिए काफ़ी किया है, अब आप ये कहें कि करना चाहते थे नहीं करते थे फजूल था, आई थिंक इट वॉज स्टूपिड, मुशरफ को कहना था यस मिस्टर प्रेसिडेंट मैं आपको मदद करूंगा, आपके मुल्क के खिलाफ बड़ी गलत बात हुई, अब हमें अमीर बनाएं, नहीं आप आएं बांटें, रूल्स ऑफ इंगेजमेंट करते हैं, हमारा देखिए लॉसेस ये होंगे, हमारा फ़ायदा ये होगा, आपसे हमें इमदाद लेना चाहेगा, कॉम्पनसेशन जो भी आप कहें, हो सकता था, और फिर डबल डीलिंग की कोई हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी की ज़रूरत नहीं थी, मगर वो सब ख़त्म हो गया। आज हम अमरीकनों को, हम अब अकानी उनकी बात नहीं मान सकते, अब आप कहेंगे इट्स अ फेलियर ऑफ कैपेसिटी, मैं कहूँगा हाँ क्या बात, वो क्या चाहते हैं, एक ही चीज़ चाहते हैं पाकिस्तान से कि आप जाके जो अफगान तालिबान आपकी ज़मीन पर पनाह लिया है उनको आप मेहरबानी से अटैक करें, मेहरबानी से नहीं अपनी स्टेट की रिट को थ्रेटन करते हुए अटैक करें, क्योंकि इसके मतलब उसका सक्सेसफुल नतीजा अगर होता तो, जब इजिप्ट ने नेगोशिएट किया अमेरिका से, जब जॉर्डन ने नेगोशिएट किया अमेरिका से, तो अपने सारे लोन वेव कराए, जब मुशर्रफ साहब ने नेगोशिएट किया उस वक्त पाकिस्तान का डेट 50 जॉर्डन और जॉर्डन और इजिप्ट की लेवरेज बहुत बेहतर थी, उनको इसराइल को मानना था, वो बिल्कुल पड़ोस में थे, कभी भी मिलिट्री नहीं, कभी भी मिलिट्री रिजीम अच्छा नेगोशिएटर नहीं हो सकता, एग्जैक्टली नेगोशिएटर हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, होनी चाहिए, होगी हमेशा होगी, पहली बात होगी नहीं होगी होना चाहिए। दूसरी बात है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को आपने पनपने का मौका नहीं दिया, और आज भी देना नहीं चाहते। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब आप ये अगर आप ये बिलीव करते हैं कि हम न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करके कुछ बन और अमेरिका को ब्लैकमेल करके कुछ 2-4 पैसे पकड़ लेंगे, वो पकड़ लिए आपने पैसे, अब वो पैसे नहीं देंगे आपको, अब वो पैसे नहीं देंगे, नहीं वो उस हद तक देंगे जिस हद तक उन आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट में नहीं जाएगी, सही है, आप जिस टीटर करते रहेंगे, हाँ टीटर करते रहेंगे, तो ये मगर वो उनका मसला नहीं है, हमारा मसला है, मगर मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ वो ये नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान का मसला, मैंने एक दो बार आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, पाकिस्तान का मसला इस वक्त डॉलर क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान मसला रुपी क्राइसिस है, तो वो तो उस पर तो अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, आप रुपी क्राइसिस तो सही कर लें, सवाल तो ये ना टैक्स क्राइसिस, नहीं नहीं टैक्स क्राइसिस नहीं, पूरे मईशत का मसला, मईशत का ताल्लुक अमेरिका की नेटो सप्लाई से नहीं है, सही एक ये ब्रोकर इशू है, सही एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ शबीर ज़ैदी साहब हैं, एम्बेसडर ज़फर हिलाली साहब हैं, नेटो के हवाले से भी बात करेंगे, इस सप्लाई लाइन का वापस से बहाल होने का, या कम से कम सप्लाई लाइन को हम जब मजीद अब नहीं रोकेंगे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे फॉरेन अफेयर्स के अंदर हमें कोई मईशत को फ़ायदा भी हो सकता है,
اور پھر انٹرنلی یہ گردشی اخراجات کے حوالے سے بات کریں گے. شبیر زاہد صاحب اکانومسٹ ہیں, ہی ہیز اے کوائٹ انٹرسٹنگ رائے ان کی اس کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست بنا ہے, بیک ٹو دی آفٹر بریک. نیٹو سپلائی اور اس کی ہماری معیشت پہ اثرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہماری فارن پالیسی, ہماری انٹیریئر پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور ابھی تک میرا ذاتی پرابلم یہ ہے اس شو سے کہ میں ہمارے سفیر ظفر ہلالی صاحب کی معیشت کی پالیسی سے متفق ہوں اور ہمارے جو معیشت کے ماہر ہیں ان کی فارن پالیسی سے متفق ہوں, اور ایک پرابلم ہے میرے لیے. لیکن میں آئی کانٹ ڈیفیٹ یو آن یور اون ٹرمز اینڈ یور اون گراؤنڈ, بٹ میں شاید ابھی تھوڑا میکیاویلین کچھ کوشش کروں. آپ سمجھتے ہیں ہلالی صاحب کہ نیٹو سپلائی کی ریسٹوریشن اور یہ سب بہت ایک امبیرسنگ ہماری ہسٹری رہی, اور ہم نے بہت امبیرسنگ طریقے سے 10-12 سال کام کیا ہے, سب ٹھیک سر, اور ہم نے بہت ساری غلط, یہ رشین وارم واٹرز, ان کو ہمارے پانی چاہیے, ایکسس چاہیے, ہمیں اڑا دیں گے, ہم نے سب کچھ غلط کیا. لیکن آج کے بعد سے جو سپیس ہم نے اپنے لیے چھوڑی ہے, جس جگہ میں ہم محدود ہیں, جس کرویس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, یہاں سے ہم آگے کس طرح جائیں گے؟ ویری گڈ کوسچن. اب دیکھیے ان کو کیا چاہیے, اٹ ہیز ٹو بی ریلیٹیو ٹو سم تھنگ. امریکہ کو کیا چاہیے؟ امریکہ کو دو چیزیں چاہیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو دشمن ہیں, اس کے مطلب حقانی طالبان جو اس وقت نارتھ وزیرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بائی دی وے نارتھ وزیرستان اور میران شاہ حقانیوں کا ہسٹوریکل ہوم ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ازبیکستان سے اٹھ کے آ گئے ہیں, یہ ان کا ہسٹوریکل ہوم ہے. ہسٹوریکلی تو افغانیاں پورا ان کا ہسٹوریکل ہوم, اور وہ ڈیورن لائن کو بھی نہیں ریکگنائز, ظاہر ہے, اور 70,000 لوگ آتے جاتے ہیں بغیر ویزاز کے. یہ تو نہیں ہے کہ صاحب میرے گھر کے بیچ میں اگر کوئی لکیر ڈرا کر دو تو میں بھی تو نہیں سنوں گا. ایگزیکٹلی, بہت اچھا کہا آپ نے. تو اس لیے اب اگر ہم ان کے پیچھے جائیں تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ افغانستان میں ہمارے پاس ایک الائی نہیں ہے, معاف کریے, ایک الائی. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے خلاف ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ساتھ ہیں. نہیں نہیں, ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ پہ نہیں چاہتے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بارڈرز میں کسی ملک میں کی جو لوگ ہیں جن کا افیکٹو کنٹرول ہوگا ہمارے بارڈرز کے ساتھ, کم سے کم وہ ہمارے ویل ڈسپوزڈ ہوں. اگر دشمنی نہ ہو, دوستی نہ ہو, تو دشمنی بھی نہ ہو. تو ہم اگر حقانی طالبان کے ساتھ جاتے ہیں, ساتھ ساتھ امریکن کہتے ہیں ان کو آپ نیگوشیشن ٹیبل پہ لے آئیں, آپ کام کریں. اب تو یہ بھی نہیں کہہ رہے لالی صاحب, اب تو ہم سے دور رہتے ہوئے ان کو دعوتیں دے رہے ہیں, ہم تو قطر لے جا کے بات کرتے ہیں. جا نہیں رہے ہیں نا, وہ زیادہ تر اگر کوئٹہ میں ہوتا ہے نا شورا, اور کراچی شورا کراچی میں ہوتا ہے نا, تو ان کو بھیجنے کے لیے ہمارا تھوڑا سا تو کچھ اثر ہوتا ہے. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ان کے خلاف جا کے لڑو, ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ان سے تمہاری جو ریزنم جیسے بھی تعلقات ہیں وہ خراب کرو, ساتھ ساتھ تمہاری سیکیورٹی پروموٹ کرتی ہے, اونلی سو دیٹ وہ ایک آرمی آف پاکستان کے خلاف نہ لڑے. پاکستان کی رٹ جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ پہلے میں سوچتا تھا کہ جی ٹرائبل ایریاز کی کچھ جگہیں, محمد کی کچھ علاقے, یہ سوات کے کچھ علاقے کچھ ٹائم تک لاسٹ کازز ہیں, لیکن جب بنو کے جیل کو اس طرح بریک کیا جاتا ہے تو پھر ہماری اسٹیٹ کی رٹ کہاں کہاں تک ہے؟ پنجاب تک نہیں, کراچی لیاری, ہاں لیاری میں بھی نہیں ہے. نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم تو ایک میلٹ ڈاؤن اسٹیج میں ہیں, جیسے میں کہتا رہتا ہوں وی آر اوور دی ایبس, ہم گر رہے ہیں. اب کہنے کی بات یہ ہے واٹ کین وی ڈو ٹو پیراشوٹ, اور اس وقت تو میں جب کہتا ہوں لوگوں کو ایک دو کو ٹانگو, یہ کرو وہ کرو, آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے, آپ کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. ان کی انٹیریئر پالیسی بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے بائی دی وے. دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گر رہے ہیں, جی دیکھیں میرا ویو ہے کہ ہم سیاسی طور پہ نہیں گر رہے, میں پھر کہہ رہا ہوں ہم معاشی طور پہ گر رہے ہیں.
जही साहब, आप समझते हैं हमारी मईशत अगर बहुत स्ट्रांग होती और हमारी यही सियासत होती तो हम बेहतर हालात में होते? जी देखिए, मेरा मकसद है एक आम आदमी को कोई कंसर्न नहीं है कि हकानी कौन है। सही। और वेरी फ्रेंकली मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न ये भी नहीं है कि तालिबान कौन है। सही। मैं मुझे कोई ज़्यादा शौक नहीं है इस मैटर में। आप होल्ड ऑन, आप इस एग्जांपल में अपने आप को आम आदमी कह रहे हैं? मैं आम आदमी। अच्छा। आम आदमी जो कराची शहर में रह रहा है उसको कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि हकानी साहब कौन है, और कोई कंसर्न नहीं है कि, और कोई इंटीरियर में रहने वाले को कंसर्न नहीं है कि जी कि स्वात में मुल्ला फजलुल्ला कौन है। उसको तो मीडिया ने और उसको किसी कुछ कुछ लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया। रिलेटेड द स्टेट चैलेंज हो गई साहब, और माजरत के साथ आपको आम आदमी की कंसर्न तो उस डंडे बोतल में कभी भी नहीं थी। सही। डंडे बोतल में रिसर्च कभी भी नहीं थी। ठीक है, एक पाकिस्तान में सेटल्ड एरियाज हैं और एक अनसेटल्ड एरियाज हैं। वो हमसे अलग कल्चर में डिपेंड करते हैं, उन रहने दें उनको। वो हम इसी डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी है। ठीक है, वो मैं उससे बात नहीं करना चाहता, बट वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है। उसको हमें बिलावजह कंसर्न बनाया जा रहा है। सही। हम सारा दिन यही बात करते हैं, हम सारा दिन बात, हम ये नहीं पूछते कि कराची में कौन सा स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, कौन से स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो इकबाल हैदर साहब कहते रहते हैं दो साल से कटी पहाड़ी पे स्कूल बंद है, कौन सा अस्पताल चल रहा है, कौन सा अस्पताल नहीं चल रहा। हम ये बोलते हैं तालिबान, मुल्ला फजलुल्लाह, हकानी, अमरीकन, नेटो, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है। लेकिन हमारा नहीं, ये हमारा बनाया जा रहा है। डिस्कोर्स फेल हो गया है ना, जिसकी वजह से ये बन चुका है हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ये रिक्शे वाले तो है क्या, नहीं है ना सब्जेक्ट, लेकिन इसलिए बना हुआ है इसलिए कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैज फेल्ड। किसने बनाया है, किसने बनाया है? मिलिट्री रिजीम्स ने बनाया है, पॉलिटिकल सिस्टम ने बनाया है। उस सिस्टम को डिरेल होना है। अब हमें लाइक कि वो सिस्टम, ये डिस्कोर्स जो हो रही है कंटिन्यूसली, डिस्कोर्स जो एक पर्टिकुलर जिस पर हो रही है, डिस्कोर्स को खत्म होना है। दैट शुडंट कंसर्न पीपल। हाँ, डजंट कंसर्न, इट डजंट कंसर्न पीपल एक्चुअली। आप चाहे इसको जितना मर्जी कहें कि कंसर्न पीपल नहीं, वो चंद एक 40-50 लाख आदमी दूर बॉर्डर्स की गैरत आपको बाद में, वो गैरत बाद में आती है। पहले एजुकेशन, तालीम, जो लड़कियां रेप हो रही हैं और जो बच्चे हो रहे हैं, वो मेरे लिए ज्यादा कंसर्न है। वो बॉर्डर में बात, तालीम, हाँ, नहीं, एवरीथिंग इन द स्टेट। क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए ना, मैं नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं हूँ, प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए ना। कोई भी स्टेट अपने आदमी को डिसइंफेंसाइज करके, अपने आदमी को इकोनॉमिकली बैकवर्ड रख के जी, और अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के बाद जिंदा नहीं रह सकती। सही। अब ये बात शायद कोई बात 15 साल पहले कहता था, लोग उसको हंसते कि ये क्या कह रहा है, मगर आज अब ये रियलाइजेशन लोगों में आई है, और इससे उस वक्त आएगी जब डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म में चलेगी। सही। ये आप, खैर अभी तो लॉन्ग टर्म नहीं, अभी तो पहले ही टाइम खत्म हो रहा है, बात तो शुरू होगी ना। अब मेरा सवाल अगेन ये है कि पाकिस्तान आज भी, मैं बिलीव करता हूँ, पाकिस्तान आज भी अगर अपने इकोनॉमिक प्रायोरिटी को सही रखे, ये जो कोएलिशन सपोर्ट फंड के $1 अरब है, कहाँ जाएंगे? $1 अरब तो सर देखिए, मैं फिर आऊंगा, ये हम खर्च कर चुके हैं, कहाँ जाएंगे? ये क्या जी, $1 अरब मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 4 बिलियन है इस साल होगा, 4 के अगर 5 हो जाए ना, तो तूफान नहीं आ जाएगा? नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सवाल आपसे ये है कि ये फौज को जाएगा, पूरी इकोनॉमी को कोएलिशन फंड के ऊपर रखते हैं हम, एवरीथिंग को, अभी तो आ रहा है ना सर, इसको बिजली में लगा सकते हैं। 1 बिलियन है ना, मैं ये दर्ज कर रहा हूँ, आप 1 बिलियन है, मगर आपका एक्सपोर्ट 28 है और आपका इम्पोर्ट 40 है। सही। ठीक है, 12 बिलियन का रेमिटेंस आ रहा है, उस 40, 28 और 12 में तो कोई बात नहीं कर रहा, वो कोलिशन फंड एक मिलियन है, उसके ऊपर सारी दुनिया उसके आसपास घुमा रही है पाकिस्तान को। सही। पाकिस्तान उसके आसपास नहीं घूम रहा है, पाकिस्तान एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है, उसकी एक अच्छी खासी इकनॉमी है। अब मैं वही जो आपसे शुरू में बात कर रहा था कि हम इवन अमेरिकन को भी ये नहीं समझा पा रहे कि हम एक रेलिवेंट कंट्री हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक सेकंड, मैं हिलाली साहब को अगर यहाँ पे इंक्लूड करूँ, हम ये क्या इसलिए नहीं समझा पा रहे क्योंकि हमारे काफ़ी बेहतरीन जो एडिटोरियल राइटर्स हैं वो इस बात को तरजीह देते हैं कि किसी लेवल पे तो आप सच बोलें, चाहे आप अपनी आवाम से सच बोलें, चाहे आप फॉरेन अफेयर्स में सच बोलें, चाहे आप आपस में कोलिशन पार्टनर्स से इंटरनली इन द कंट्री सच बोलें। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहा कि हम सब झूठे हैं, सियासतदान झूठे होते हैं, ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ट्रस्ट का इतना डेफिसिट है कि हम, मेरे ख्याल से अपने आप से सच बोलना शायद हमने छोड़ दिया है, और जब हमारे साथ फॉरेन पावर्स नेगोशिएट करने आती हैं तो वो इस बात को देखती हैं और उनको फिर इस बात से, इट्स हार्ड फॉर देम टू ट्रस्ट एनीथिंग वी हैव टू से। हाँ, ये सही बात आप कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है झूठ बोलता है जब सच बोलना आसान है, फ्रेंकली। ये एक यूनिक फिलोसफी, एक क्वालिटी है हमारे में। मगर ये भी कहना कि सिक्योरिटी इज़ नॉट लिंक्ड विद इकॉनमी, ये नहीं हो सकता। इनके अपने मिसाइल देख लें। फर्स्ट थिंग इज, जब आप, जैसे इन्होंने कहा है रेप ऑफ वीमेन एंड दिस एंड दैट, अगर वो सिक्योरिटी आपके पास नहीं है तो क्यों आप इन्वेस्ट करेंगे,
جب وہ سیکیورٹی آپ کے اپنے ملک میں نہیں ہے تو باہر کے لوگ کیوں آئیں گے؟ سو یو کی ناٹ ڈیوس سیکیورٹی اینڈ سے اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. ایک ٹویٹر پہ بڑی اچھی کامنٹ آئی تھی ہلالی صاحب کہ جب تک یہ میزائلز بنا رہے ہیں آپ تو کم از کم اس کا نام جو ہے وہ ریلیونٹلی سچ میں دے دیں کہ وہ جس چیز کی قیمت پہ اڑائے گئے ہیں, بجلی 1, پانی 2, ایجوکیشن 3, تعلیم. میں آپ سے ایک اور پوچھ رہا ہوں, اگر اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا 595 بلین کا ڈیفینس ہوگا اور 1000 بلین کا اس دفعہ خرچہ ہوگا انٹرسٹ کا, ہم کہتے ہیں کہ سیکورٹی نہیں ہے, پولیس والا. آپ مجھے بتائیں پورے 60 سال میں پولیس پہ خرچہ کیا کیا ہم نے؟ آپ نے عام آدمی کو دیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, عام آدمی خدا کے واسطے عام آدمی کو پولیس مت دیجیے. اور نہیں نہیں, یہ غلط فہمی ہے. دیکھیں یہ غلط فہمی ہے کہ پولیس کو آپ ایزیوم کریں کہ پولیس کو بغیر پیسے دیے ہوئے, بغیر کیمرے دیے ہوئے, بغیر گاڑیاں دیے ہوئے, بغیر گاڑیاں ساری نہیں ہیں. آپ ایگزیجریٹ کرتے ہیں. آپ کو 595 بلین کو تو آپ بہت امپورٹنس دے رہے ہیں نیشنل سیکورٹی والے خرچے کو. آپ مجھے بتا دیں 60 سال میں عام آدمی کے لیے جو خرچہ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے ٹوٹل میں, آپ ابھی فکر کر سکتا ہوں. میرا پرابلم یہ ہے, پھر وہی آپ کی پرائیورٹی بھی وہی ہے کہ جی یہ تو دیکھو کہ اس جو پاکستان کا 16 کروڑ آدمی ہے اس پہ خرچ کیا ہوا ہے؟ اس پہ تو کوئی خرچ ہی نہیں ہوا. اس پہ تو خرچ نہیں ہے, 18 کروڑ آدمی ہے. 2 کروڑ سے نکال رہا ہوں, 2 کروڑ کو پہ ہوا ہے. صحیح, وہ 2 کروڑ پہ کام ہوا ہے. ایلیٹس کہہ لیں ان کو نکال دیں, 2 کروڑ کا چلیں, وہ تھوڑا اوپر والا نکال دیں. میں یہ کہہ رہا کوشش کر رہا ہوں, دیکھیں پاکستان جس دن سے بنا ہے اس دن سے آج تک سارے بجٹ اٹھا لیں. ایسٹ پاکستان نے لینڈ ریفارم کر دی, ویسٹ پاکستان نے نہیں کی. انڈیا نے کر لی, ایسٹ پاکستان نے کی نا سر. ایسٹ پاکستان نے کی تھی, ہمارے ہوتے ہوئے کی تھی. ایک نسل تھی نا سر. سر سوال کچھ اور ہے, ہم نے پبلک انٹرسٹ میں فائنینس کب کی؟ کبھی کی؟ اگر کی ہوتی تو آج یہ نہیں ہوتا. میں بات کر رہا ہوں کہ جو آج معاشرے میں خرابی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. اور آج بھی آپ کا سبجیکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے. پبلک اور نیشنل انٹرسٹ میں ہمیشہ سے اس کی جو ہم نے ڈیفینیشن رکھی ہے وہ اپنے مطابق نیشنل انٹرسٹ یہ ہے نا. نیشنل انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پاکستانی بہت اچھا ہے جو امریکہ اور انڈیا سے دشمنی کرے. آپ وہ اچھا پاکستانی ہے. اگر میرے ذہن میں ڈیپ ہیٹڈ امریکن دشمنی, ڈیپ ہیٹڈ انڈین دشمنی نہیں ہے تو میں پاکستانی نہیں ہوں. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, آلسو تھنک اباؤٹ اٹ دس وے. زیادہ تر جو آپ نے بات کی بالکل مجھ صحیح ہیں. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس ملک میں فوج ہے. بالکل صحیح. اور میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں کیسے. اب آپ یہ کرائیٹیریا مانیں گے کہ جو لوگ اس سے پیسے کماتے ہیں دین یو ہیو اے ویری کلوز لنک. آپ پی 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 سے تو پیسے نہیں کماتے ہیں, حالانکہ پی پی سی آج کل بانٹ رہی ہے, مگر آپ اور میں نہیں کماتے یٹ. شاید ہم پی 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 کے لیے ووٹ کریں یا نہ کریں. کتنے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی بینیفٹ ایز اے ریزلٹ آف دے ایسوسیشن ود دا فوج؟ پہلے تو ہو گیا فوراً تو آپ 6-7 لاکھ 8 لاکھ جو ممبرشپ ہے 4000 دے کے, اور پھر اس کے پینشنرز, اور پھر اس کے کنٹریکٹرز جو دال سپلائی کرتا ہے, گوشت سپلائی کرتا ہے, ان کو پھر 5 سے ضرب دیں, پھر کنٹریکٹرز جو یہ بناتا ہے. میں نے یہ فگر لیا کہ 20 ملین پیپل اس ملک میں جو فوج سے ڈائریکٹلی بینیفٹ کرتے ہیں. 2 کروڑ. اور 2 کروڑ لوگ جو ڈائریکٹلی بینیفٹ کرتے ہیں وہ ایسا ووٹ بینک ہے فوج کا جو کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے, جو فلکچویٹ کرے گا ہی نہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کو آپ نے سمجھانا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہو کے اتنے, اینڈ بیسکلی اٹس انپروڈکٹیو ایکسپینڈیچر. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس انپروڈکٹیو ان دا سینس کہ ہمیں سیکیورٹی نہیں ملتی ہے, اٹ ڈز ویل فار ویلفیئر, بٹ سیکیورٹی تو بینظیر ہیز 50 ملین. بینظیر امپورٹ اسکیم وہ تو ایک اسکیم ہے, 2 سال سے آئی ہے 4 سال سے آئی ہے. کہنے کی بات صرف مجھے یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرائیورٹیز کو, جیسے انہوں نے کہا ہے, ری ویمپ کرنا چاہیے. اسٹارٹ تھنکنگ اف نیو. کیسے ہو سکتا ہے کہ 64 سال میں اینٹی انڈیا پرو امریکہ, یہ اٹس نیور چینجڈ. اور یہ جب ہم پرو امریکہ سے انڈیپینڈنٹ آف امریکہ ہونے لگ جاتے ہیں تو ہمارے لبرلز ہی جو ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں. گالیاں گلو, ہم انڈیپینڈنٹ آف امریکہ نہیں ہوتے سر. ہم انڈیپینڈنٹ تک لانے کے لیے اتنا اینٹی ہو جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس کا حل انڈیپینڈنٹ میں نکل آئے گا. اور آج پرو انڈیا اور انڈیپینڈنٹ آف امریکن ہونا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ انڈیا اٹس سیلف امریکن پروگریس, امریکن پلانس کے اندر اب اتنا انٹرٹوائن ہو گیا ہے کہ ہماری چاہے جو بھی امیڈیٹ پالیسی کی خواہش ہو اپنے اس بڑے نیبر سے, وہ بھی امریکہ میں ہی ویٹ ہوگی. بیکاز انڈین ریلیشن شپ ود امریکہ ٹوڈے از مور ویلیوبل دین دی ریلیشن شپ ود پاکستان. ہیز ٹو بی, اٹ میکس سینس. اکنامی ہماری تو ہے ہی نہیں ان کے ساتھ, ہماری ریلیشن ہی نہیں ہے. مائی پوائنٹ سمپلی از دس,
کہ آپ کے پاس ایک نیوکلیئر مثال کے طور پہ میں کیوں سپورٹ کرتا تھا کہ شاید نیوکلیئر انڈیپینڈنٹ پھر وہ انڈیپینڈنٹ ڈیٹرنٹ بنتا ہے وہ آپ کے استعمال میں امریکہ نے ہی کنٹرول کرتا آپ نیوکلیئر پالیسی کو سپورٹ کرتا یس کیوں کرتا تھا اس لیے کہ میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ڈیٹرنٹ آ جائے تو برٹن کیا کہتا ہے برٹن ریڈ آرمی کے خلاف تو نہیں لڑ سکتا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی چھوٹا سا انڈیپینڈنٹ ڈیٹرنٹ بتایا ہماری نیوکلیئر پالیسی کیا ہے ہلالی صاحب اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے جب فرسٹ اسٹرائک نہیں کریں گے ہماری فرسٹ اسٹرائک یا سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بھی ہو گئی ہے مثال کے طور پہ وہ بھی آپ بھول جائیں میں صرف آپ نہیں میں کہنا نہیں چاہ رہا بھولنا بھول تو نہیں سکتا میں اس بات خیر چلیں اس کو صرف میں ایک بات لاسٹ کنکلوڈ کر دوں کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے اور انڈیا اتنا بڑا تھریٹ تھا تو ابھی شیورلی وہ اب تھریٹ نہیں رہ سکتا انلیس اٹس میڈ میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن ٹھیک ہے نا وہ نہیں ہو سکتا سو ری ڈائیورٹ ٹو اکانومی یہ جو کہہ رہے ہیں میرا تو ویری سمپل ویو ہے کہ آج مضبوط پاکستان انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے آج مضبوط پاکستان ہر چیز کے ہمارے انڈین اوشن کی مچھلیوں کے انٹرسٹ میں ہے مضبوط پاکستان ہمارے ایک کمزور پاکستان سارا دن بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ ملک ٹوٹ رہا ہے سارے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں ٹوٹ رہا تو یہ ہماری فلسفی کب نکلے گی دیکھیں پاکستان چار ڈفرینٹ کلچرس کا ملگم ہے اس کو ایک بنانے کی کوشش نہیں کریں کم از کم چار ڈفرنٹ نیشنلٹیز کا امالگم ہے ڈائیورسٹی میں نہیں ڈائیورسٹی میں بیوٹی ہوتی ہے صحیح ہم یہ یونٹی جو ایک فیک یونٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمارے شاعر نے بہت لکھی تھی وہ شاعر تو بیچارہ 1938 میں مر گیا تھا نا جی اچھا میں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا کون سا وہ 38 میں مر گیا تھا ٹھیک ہے تو ملک 47 میں بنا تھا ٹھیک ہے تو کوئی ایشو یہ نہیں ہے جو چار ڈفرینٹ کلچرل آئیڈینٹیز ہیں ان کی امالگم اکنامکس گراؤنڈ پر ہوگی اور کسی گراؤنڈ پہ نہیں ہو سکتی معیشت اور بہتری نہیں اکنامک گراؤنڈ اور کوئی بہتری بہتری از ایڈیشنل ورڈ صحیح اکنامک پروگریس اکنامک سیکیورٹی صحیح ایک بریک کے بعد ہم یہ گردشی اقراضات کی جو ایک سولیوشن بہت بریلینٹلی ٹیلی ویژن پہ آیا اور پھر اس کو سپورٹ بھی کیا گیا اور پھر لوگ حیران بھی ہوئے کہ ایک گھنٹے میں پورے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ وہ نوید قمر ٹائپ پرومسز اور راجہ پرویز اشرف ٹائپ پرومسز نہیں پراپر ایک پرومس آئے سامنے کہ ایک گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے اب وہ منٹ کو 300 ارب چھاپنے میں کتنے دن لگیں گے مقصد یہ ہے کہ وہ چھاپنے کے بعد آپ پیسہ اگر فلڈ کر دیں گردشی اقراضات ختم کرنے کے لیے تو پاکستان کے بجلی کے مسائل حل اس کے کیا اثرات ہوں گے ہماری معیشت پہ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے facebook.com/سیاست پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں بیک ٹو دی آفٹر بریک ویلکم بیک بریک سے پہلے ہم نیٹو سپلائی اور ہماری فارن پالیسی فارن افیئرز اور انٹرنل حالات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اب ہم انٹرنل حالات کی جو سب سے میجر فیکٹر ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے لوڈ شیڈنگ بجلی کی کمی جو کہ پنجاب کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے اور سندھ کو نسبتاً کم لیکن پھر بھی ہماری سب سے بڑا ہیڈ ایک اگر ایک کامن نیشنل ہیڈ ایک ہے کامن نیشنل سر کا درد تو وہ توانائی کا فقدان ہے بجلی کی کمی ہے گیس کی کمی ہے لوڈ شیڈ ہے دونوں چیزوں میں اور 5000 میگا واٹ 7000 میگا واٹ پی کاس پہ اگر ہماری شارٹیج ہے تو اس کی ایک جادو کی چھڑی ٹائپ ایک سولوشن نکلا ہے پیسے چھاپیں ذہی صاحب پیسے چھاپیں فلڈ کریں اور ایک گھنٹے میں ختم دیکھیں آپ کو کسی بھی آدمی کو جو اکنامکس سے واقف ہے یہ اچھا نہیں لگے گا مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کہی گئی ہے وہ ٹھیک کہی گئی اور اگر اس وقت جو پاکستان کی گراؤنڈ ریلٹی ہے اگر ہمیں سرکولر ڈیٹ کرنے کے لیے اپنا ڈیفیسٹ بڑھانا پڑتا ہے تو آئی ول ٹوٹلی سپورٹ دیٹ
इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी? मैं उस पर आता हूँ, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। ये जो डायरेक्ट अगर उर्दू में उर्दू में अगर अभी यहाँ तक सम अप कर लें तो आप कह रहे हैं हाँ छापें, हाँ खत्म कर दें गर्दिशी इकराजात, जिसकी वजह से बिजली का प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट टर्म खत्म हो जाएगा। तो आपका सवाल है कि इन्फ्लेशन कितना होगा, गुर्बत कितनी बढ़ेगी? गुर्बत नहीं, इन्फ्लेशन गुर्बत नहीं होती, इन्फ्लेशन गुर्बत को ही अफेक्ट करती है। आपके जैसे आम लोगों को अफेक्ट नहीं करती, महंगाई होती है गुर्बत में, इन्फ्लेशन महंगाई होती है, महंगाई होती है इन्फ्लेशन गुर्बत। नो आई अंडरस्टैंड दैट बट आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द पुअर। महंगाई कितनी बढ़ेगी, महंगाई कितनी बढ़ेगी, महंगाई कितनी, ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन महंगाई और डेफिसिट फाइनेंसिंग है, ये किताबी मईशत है। रियलिटी पाकिस्तान की इसके खिलाफ है। आज पाकिस्तान की रियलिटी ये है कि इम्पोर्ट बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं हो रही, क्योंकि बिजली नहीं है। एक्सपोर्ट गिर रही है कि इसलिए गिर रही है कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है। टैक्सेस इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो पाकिस्तान में मेरी इकोनॉमिस्ट में आउट ऑफ बुक इकोनॉमिस्ट करनी है, मुझे पहला सिचुएशन ये है कि पहले मैं फैसला करूँ कि बिजली की जनरेशन कैपेसिटी है या नहीं है। जो आपके मैं और आप एग्री करते हैं कि बाय एंड लार्ज जनरेशन कैपेसिटी है, तकरीबन सारे है। मेरे पास ऑयल खरीदने के पैसे नहीं है और मेरे पास ऑयल कंपनीज को फाइनेंस करने के पैसे नहीं है। मैं अभी महंगाई की साइड को सेपरेट रखता हूँ। अगर मैं इस पहिए को चला दूँ, इस पहिए को चला दूँ, मीन्स मैं 400 बिलियन छापूँ या डेफिसिट फाइनेंसिंग करूँ और सर्कुलर डेट क्लियर करूँ और हमेशा के लिए ये फैसला कर लूँ कि मुझे 4 साल तक रहना है, 1 साल नहीं। लेट बी वेरी क्लियर, ये सर्कुलर डेट का 400 बिलियन जो आएगा इस साल नहीं आएगा, ये अगले 3-4 साल आएगा। और हर तीन साल तक मैं 400 बिलियन एनर्जी सब्सिडी देता रहूँगा। मुझे कोई शौक नहीं है। मैं कहता हूँ आई एम के गुलाम हम वहाँ नहीं हैं, आई एम के गुलाम हम यहाँ हैं। जब उनकी थोड़ी मानते हैं सब्सिडी वाली, वहाँ हम गुलामी कर रहे हैं, ये खाने के साथ नहीं कर रहे हैं, गुलामी यहाँ हो रही है कि आप कहते हैं सब्सिडी खत्म करो, ये उनका नुस्खा है। उनकी शर्त ये होती है जब वो पैसे दे रहे हैं, उनका नुस्खा है, उनकी शर्त ये होती है कि हमारी सुनेंगे, उनकी सुनने में सब्सिडी खत्म। मैं उसके सामने अपना नुस्खा रखूँगा ना। प्रॉब्लम ये कि एक नुस्खा वो दे के गए, मैंने कहा साहब ये इलाज मलेरिया का नहीं है, ये तो टाइफाइड है। वो मलेरिया का नुस्खा दे गए थे, मैं टाइफाइड का इलाज बता रहा हूँ। तो अगर टाइफाइड का मैं दूंगा और टाइफाइड को समझा दूंगा ना, तो वो जाहिल है, पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है, वो समझ जाएगा मेरी बात। अब प्रॉब्लम ये कि हमारे डॉक्टर जो हमारा समझाने जा रहा है वो हकीम है, वो डॉक्टर नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो अगर वो डॉक्टर भेजे ना, तो वो समझाएगा सर ये वाला नुस्खा ये नहीं है, ये वाला नुस्खा इसका इलाज ये है। कमिंग बैक टू माई अगेन टू सोल्यूशन, अगर आप सर्कुलर डेटा क्लियर करते हैं, मेरा एक्सपोर्ट जो है अगर 27-26 पे आ रहा है, 1-2 बिलियन मैं एक्सपोर्ट में अगर एडिशन ऐड कर लेता हूँ, तो मुझे वो डॉलर मिल जाएगा जो मुझे शॉर्टेज है। और मेरी जो इंपोर्ट 40 पे चली गई है, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग इंपोर्टेड, बिकॉज नथिंग इज बीइंग मेड लोकली। देखिए आप ये रियलाइज करें, जब प्रोडक्शन कम होती है ना तो फिर इंपोर्ट बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस जगह पे खड़ी है, मैं 110% एग्री करता हूँ कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के बावजूद बिजली सब्सिडी देनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक सब्सिडी देनी पड़ेगी बिजली पर, और एक आपको देनी पड़ेगी सब्सिडी टू दी पुअर पीपल नॉट लैंडलॉर्ड्स। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लैंडलॉर्ड को सब्सिडी दे रहे हैं फूड प्राइस के सपोर्ट के थ्रू सिस्टम, उसको बंद करें और आम आदमी को आटा चीनी दाल पे राशनिंग करके अवेलेबल करें फूड। सर ये आपको लग रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रहा है ये बात, कि ये बात अमेरिका से नहीं आ रही। यही बात कल इंडिपेंडेंट लिख देगा, वाशिंगटन पोस्ट लिख देगा, आप सारे इसको एडमायर करोगे। ज़ैदी साहब, ये बात पता कब हुआ था? ये वॉर के जमाने में ब्रिटेन में हुआ था। ये आपको इंडिया में आज तक होता है। मोहित आप इसलिए हंस रहे हो, आज आप हंस इसलिए नहीं, मैं हंस नहीं रहा, इट्स अ ब्रिलियंट प्लान। लेकिन सर आप देखिए, आपने जब लैंड रिफॉर्म किए, आपने कहा कि 100 एकड़ से ज्यादा बड़ी जमीन नहीं होगी। मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी इकोनॉमिस्ट से समझना चाहता हूँ ना, तो मैं आईएमएफ की वेबसाइट खोलता हूँ पहले कि वो मेरे बारे में क्या लिख रहा है। मैं जब इकोनॉमिक्स की खोलता हूँ पाकिस्तान की, जब आपका कंपेयर भी खोलता है, तब देखता है आईएमएफ ने मेरे बारे में क्या लिखा है, आईएमएफ का नुस्खा कहाँ है, नहीं हमारा लोकल थिंक टैंक कहाँ है, बताएं। देखिए आपकी पॉलिसी में प्रॉब्लम बेसिक मेरे लिए ये नहीं है कि पॉलिसी बुरी है, मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर इतने सेफगार्ड्स डालने पड़ते हैं। देखिए आज हम हालत जंग में हैं, फौजी तौर पर नहीं, माशी तौर पर हैं। समझने की कोशिश करें, आज हमारा माशी, हमें इकोनॉमिक इमरजेंसी लगानी है दो चीज़ों पर। मैंने एनर्जी देनी है चाहे मैं नोट छापूं, दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे आटा चीनी दाल देनी है, हर आदमी को पेट भरना है, क्योंकि वो अगर पेट नहीं भरूंगा तो रात को जाके मेरा मोबाइल छीन लेगा वो। और मैं आपको इनकी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देता हूं इनका। 19th अमेरिका का रियल वेजेस अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैजंट रिजन सिंस 1973। किसका? वर्कर्स का। अमीर ज्यादा अमीर हुआ है,
जिस तरीके से देखिए किताबी बातें करते हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि हम हर वक्त वेस्ट को जाते हैं, वेस्ट से सीखते हैं, तो चलिए वेस्ट की लेसन्स लें ना। वेस्ट में इस वक्त क्या हो रहा है? वेस्ट में तबाही हो रही है, उधर क्यों हो रही है? अमेरिका ऐसी तबाही हमें भी दे दें लाली साहब। नहीं, बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द बैंकर्स बातें समझें आप। माने कि हम अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं इकोनॉमी सीखने के लिए, और वो और उनके थिंक टैंक्स और उनके इतने वेल फंडेड लोग अभी तक एक प्लान नहीं निकाल सकते हैं अपने मुल्क के लिए, तो वो हमें क्या सिखाएंगे? तो इनका कहना ये इनका है कि लोकल रेमेडीज जो है लोकल नेशनल उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम जो है एक मिनट का काम है। एक मिनट का काम इसलिए है कि प्रॉब्लम ये है कि आप पहले ये फैसला करें ये मुल्क बैंकरों के लिए चलाना है या व्हाइट कलर के लिए चलाना है या उस आदमी के लिए चलाना है जो रिक्शा चला रहा है। तो आपने 100 एकड़ जब रखी आपने कि इस हद से ज़्यादा आप नहीं ओन कर सकते, तो उसमें इस तरह हो गया ना कि इस हारी के पास 100 एकड़ है, इसके नाम 100 एकड़ है, आपने उसको करप्ट किया। इसी तरह आपकी पॉलिसी इन इलेक्शन ईयर उसको इतना आसान है करप्ट करना कि आप जब ये सब्सिडाइज खाना देंगे, खाना नहीं दे रहे सर, सब्सिडाइज जो भी चीज़ देंगे, 4 साल के लिए राशन देंगे राशन कार्ड आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप फ्री मार्केट इकोनॉमी, आपको भी जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आपको आप राशन कार्ड के जमाने में पैदा नहीं हुए हैं, ये इन्होंने शायद राशन कार्ड जमाना देखा होगा। मैंने देखा वो, आज हम उस जगह पे खड़े हैं। ये बहुत मैं अजीब अजीब बातें कर रहा हूँ जो आप आम आदमी नहीं करेगा। देखें पाकिस्तान इकोनॉमिक वॉरफेयर में बैठा हुआ है। इकोनॉमिक वॉरफेयर 45 में लास्ट टाइम हुई थी इंग्लैंड में, उसके बाद कभी इकोनॉमिक वॉरफेयर नहीं हुई है। इस वक्त पाकिस्तान में जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं एनर्जी या फूड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका इलाज किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। इसका इलाज इकोनॉमिक वारफेयर में जाना पड़ेगा। इकोनॉमिक माशी जंग लड़नी पड़ेगी 2 साल के लिए इंटरनली। नहीं हाँ जंग है, आटा आपको भी लाइन में लेकर लेना पड़ेगा, चीनी आपको भी लाइन में। ये नहीं है कि अगर आप अमीर है तो आटा मिल जाएगा, गरीब को नहीं मिलेगा। जो आदमी वायलेट नहीं, सोशलिज्म नहीं है ये सर, आप सोशलिज्म नहीं है ये, फ्री मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ें, रियलिटी के तौर पर पढ़ें। और ये कितनी अच्छी बातें की है इन्होंने भाई, छोटे छोटे वो 300 बिलियन की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं, सेकंड हैंड व्हीकल्स। आपसे अगली बात करता हूँ, आप मुझे बताएं एक बात, आप आज आपका PSDP और सब्सिडी जा कहाँ रहा है? आपको पता है कितना है? डू हैव एन आइडिया? 1000 बिलियन कहाँ जा रहा है? लोन रिफाइनेंस? नहीं सर, गलतफहमी है। सो कॉल्ड PSDP है, फैक्टर्ड PSDP है कि ये वो खास लोगों पे जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इसको आम आदमी में डाल दो। सही, जिस तरह आम आदमी कैसे डालो? सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी की भी पहिया चलेगा सब चलेंगे। यानी आप कह रहे हैं इस वक्त वो इस वक्त जो PSDP कंट्रोल किया जा रहा है वो सियासी मकसद के लिए सियासी अस्करी और इलिटियस मकसद के लिए किया जा रहा है। टाइम खत्म हो रहा है मुझे, जस्ट टू ट्राई एंड रैप इट अप, आप सर्कुलर डेट खत्म करके चाहे जितना भी इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आए हमारी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बेहतर हो जाएंगी, इंटरनल हालात बेहतर हो जाएंगे, आप इसको तरजीह देते हैं? तरजीह देते हैं बिल्कुल, और ये सोल्यूशन है। सही, ये सोल्यूशन है। आपको 400 बिलियन सब्सिडी देनी पड़ेगी इस साल नहीं, 3 ईयर्स, फॉर 3 to 4 ईयर्स, जब तक हम ये इस सर्कल से निकलते नहीं है। सही, और हिलाली साहब इन दी एंड नेटो सप्लाइज अगर हम जैदी साहब वाला फॉर्मूला अप्लाई करें कि जी खोल दी लेकिन आपका जो टैंक कंटेनर्स हैं वो हमारी ट्रेन्स पे चलेंगे, खैर पता नहीं ये फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं, अगर इजियर देन द ट्रक। नहीं, व्हाट आई मीन इज इफ इट इज व्हाई नॉट, एवरीथिंग व्हिच इज रैशनल और जो सही है उस पर जरूर करें। और मेरे ख्याल में ये भी ना कहें लोगों को कि हम हथियार नहीं जाने देंगे, आप खोल के कुछ नहीं देख सकते अंदर, आपको इजाज़त नहीं है, आपको पता नहीं, झूठ मत बोलो लोगों को कि हम नॉन लीथल स्टफ़ को जाने दे रहे हैं। सही बोलो, सच बोलो, अपनी परेशानी अपने अवाम को बताओ, उनके साथ शेयर, अपनी हकायक अपने अवाम को बताओ, हकीकत जो भी। सही, चलिए, थैंक यू वेरी मच ज़फर हिलाली साहब, शबीर ज़ैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, आप देख रहे थे सियासत मनाए, facebook.com/सियासत पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बैक विद यू नेक्स्ट वीक।